राजीव राय 1985 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म युद्ध से अपने डायरेक्टर करियर की शुरुआत किए थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, टीना मुनीम, प्राण, डैनी, नूतन, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी शामिल थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से एक एवरेज मूवी रही थी। नंबर दो पे है 1989 की त्रिदेव। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिस फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय थे। फिल्म के लीड कास्ट में सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी, सोनम, अनुपम खेर, अमरीश पुरी शामिल थे। ये फिल्म ने इंडिया से 8,50,00,000 का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म में दुनिया भर से 17,00,00,000 का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी रही थी। नंबर तीन पे है 1992 की विश्वात्मा। ये फिल्म को भी राजीव राय डायरेक्ट किए थे। फिल्म के लीड कास्ट में सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम शामिल थी। ये फिल्म ने इंडिया से 5,25,00,000 का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म में दुनिया भर से 9,50,00,000 का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी रही थी। नंबर चार पे है 1994 की मोहरा। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिस फिल्म के डायरेक्टर, एडिटर और को राइटर राजीव राय थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी शामिल थे। इस फिल्म का बजट 3,75,00,000 था। फिल्म ने इंडिया से 12,01,00,000 का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म में दुनिया भर से 22,65,00,000 का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। नंबर पाँच पे है 1997 की गुप्त। इस फिल्म को भी राजीव राय डायरेक्ट किए थे। फिल्म के लीड कास्ट में बॉबी देओल, मनीषा कोइराला, काजोल शामिल थी। इस फिल्म के लिए काजोल को बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। जी हाँ, ये फिल्म का बजट 9,50,00,000 था। फिल्म ने इंडिया से 18,23,00,000 का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म में दुनिया भर से 33,24,00,000 का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट रही थी। नंबर छः पे है 2001 की प्यार, एक सौ और मोहब्बत। ये फिल्म एक रोमांस फिल्म थी जिस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर राजीव राय थे। फिल्म के लीड कास्ट में अर्जुन रामपाल, सुनील शेट्टी, अफ्ताब शिवदसानी, कीर्ति रेड्डी शामिल थी। इस फिल्म का बजट 12,00,00,000 था। फिल्म ने इंडिया से 3,32,00,000 का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म में दुनिया भर से 7,15,00,000 का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर रही थी। नंबर सात पे है 2004 की असंभव। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिस फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में अर्जुन रामपाल, नसरुद्दीन शाह, प्रियंका चोपड़ा शामिल थी। इस फिल्म का बजट 13,00,00,000 था। फिल्म ने इंडिया से 3,13,00,000 का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म में दुनिया भर से 5,16,00,000 का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर रही थी। तो ये थी डायरेक्टर राजीव राय की सभी फिल्मों की लिस्ट। तो आप सभी लोगों को डायरेक्टर राजीव राय की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, आप सभी को लिखकर बताना है। वैसे मुझे मोहरा और त्रिदेव बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके आप लोग और भी डायरेक्टर की हिट्स एंड फ्लॉप देख सकते हो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ।